नेक्स्ट आप हम लोग मूव करते हैं यूनिट नंबर सिक्स पे. यूनिट नंबर सिक्स इज़ आ वर्किंग विद पेंट. यानी आप पेंट जो आपका एक आइकन होता है, एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, आप उसके साथ कैसे काम करते हैं. वर्किंग विद पेंट यहाँ पे है पेंट इन विंडोज 7 इज़ द बेसिक ड्राइंग टूल टू मेक एंड एडिट ड्राइंग्स. यानी पेंट जो है इन विंडोज 7 जो है उसमें जो पेंट करने वाला जो एक बेसिक ड्राइंग टूल है टू मेक एंड एडिट ड्राइंग. यानी आप कैसे ड्राइंग वगैरह एडिट करते हैं, कैसे उसको जो है वो आप पेंट करते हैं. वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज एंड कलर्स देम. यानी हम लोग किसी भी जो साइज की पिक्चर्स हैं और डिफरेंट शेप्स जो हैं एंड उसको हम लोग जो है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और उसको कलर कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास स्टेप आता है हाउ टू ओपन पेंट इन विंडोज 7. विंडोज 7 में जो पेंट है उसको कैसे ओपन करना है. टू ओपन द पेंट प्रोग्राम फॉलो दीज स्टेप्स. यानी अगर आप पेंट को ओपन करना चाहते हैं तो आप जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करें. स्टेप 1 स्टेप 2. स्टेप 1 है फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट बटन ऑफ योर कंप्यूटर. अपना जो आपका जो कंप्यूटर है उसके स्टार्ट बटन को आपने क्लिक करना है. लुक एट दिस पिक्चर. फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आपने जो स्टार्ट बटन है आपके कंप्यूटर का उसको क्लिक करना है. एंड एट द बॉटम पे. यानी जो स्टार्ट बटन है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर डेस्कटॉप स्क्रीन आपने उसको क्लिक किया. जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स आर ओपन. जैसे ही ये देखिए स्टेप 2 में जो ऑल प्रोग्राम्स हैं वो ओपन हो जाएंगे. ऑल प्रोग्राम्स में आपने स्टेप 3 पे जाना है. ये देखें स्टेप 3 में है. देन क्लिक ऑन द एसेसरीज का जो प्रोग्राम है उसके उस पर आपने क्लिक किया. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आगे से आपको स्टेप 4 में लास्टली क्लिक ऑन द पेंट. तो आपके पास जो पेंट का जो प्रोग्राम है जो आप बटन है वो आ जाएगा. आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेंट का जो विंडो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा. स्टेप 1 में आपने क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑल प्रोग्राम्स आ जाएंगे. आपने उस पर क्लिक करना है. जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एसेसरीज आ जाएंगी. एसेसरीज में आपने स्टेप 3 में आपने एसेसरीज पे क्लिक किया तो आपके पास पेंट का जो प्रोग्राम है वो उसको पॉइंट स्टेप नंबर 4 पे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा. लास्टली क्लिक ऑन द पेंट. आपने पेंट पे क्लिक करना है. द पार्ट ऑफ अ पेंट विंडो. यानी जो पार्ट्स हैं पेंट विंडो के उसको आपने कैसे देखना है. होम टैब एंड रिबन. द होम टैब इज़ अ मेन टैब ऑफ द पेंट विंडो. इट हैज़ अ रिबन फ्रॉम वेयर टूल्स एंड कलर्स आर सेलेक्टेड. वेरियस टूल्स एंड कलर्स पैलेट्स एंड मोस्ट ऑफ द कमांड्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन दिस रिबन. यहाँ पे देखिए उसने कहा है होम टैब एंड रिबन. यानी यहाँ पे एक टैब होता है जिसको क्या कहते हैं, होम टैब एंड रिबन, ये वाला, ये जो ऊपर. यहाँ पे उसने क्या कहा है, यहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ पे डिफरेंट होते हैं वो टूल्स ग्रुप्स होते हैं. यहाँ पे डिफरेंट जो ब्रशेस वगैरह होते हैं वो होते हैं और इसके साथ जो है वो शेप्स होती हैं, शेप्स ग्रुप्स होती हैं. आप इसमें किसी पे भी क्लिक करें ये आपका ड्राइंग एरिया है. ये आपने जब पेंट वाला वो प्रोग्राम ओपन किया तो आपके पास इस तरह ओपन होगा. ये ड्राइंग एरिया है जहाँ पर आप ड्राइंग करेंगे. इसमें से सबसे पहले आपके पास कौन सा आएगा, होम टैब है. होम टैब ये देखिए, ये होम टैब है जिसको आपने क्लिक करना है. इज़ अ मेन टैब है पेंट विंडो का. इट हैज़ अ रिबन, यानी इसके इस पर एक रिबन होता है. फ्रॉम वेयर ऑल द टूल्स एंड कलर्स, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, टूल्स होते हैं एंड सेलेक्टेड, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. टूल्स ग्रुप में है. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टूल्स सच एज पेंसिल. ये देखें टूल्स ग्रुप्स में, ये देखें ये टूल्स ग्रुप है, ये लिखा हुआ है टूल्स, ये टूल्स ग्रुप है. यहाँ से आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं. टूल ग्रुप्स में से आपने देखना है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टूल्स. ये डिफरेंट टूल्स पे कंसिस्ट करता है जिसमें है सच एज पेंसिल, जिसमें पेंसिल है, रेजर है, ये देखें ये पेंसिल है, ये रेजर है, एंड फिल विद कलर्स. और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, ये देखें ये कलर्स हैं,
टेक्स्ट हैं एंड मैग्नीफायर हैं एंड कलर पिकर है, यानी आप यहाँ से डिफरेंट जो है वो जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रशेस, ये देखिए ये ब्रशेस, ये वाला ये जो है ये इसको शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ ब्रशेस बने हुए हैं। यू कैन चूज अ ब्रश ऑफ डिफरेंट विच एंड स्टाइल सच एज मार्कर पेंसिल ऑयल ब्रश आर क्रॉन एट्सेट्रा, यानी यहाँ पे जो है आप जो है वो डिफरेंट साइज के डिफरेंट विच के जो है ब्रश को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल सच एज मार्कर, जिसमें मार्कर वगैरह है, पेंसिल है, ऑयल ब्रश है एंड क्रेयॉन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं। नेक्स्ट है शेप्स ग्रुप, उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेप्स ग्रुप। शेप्स हैं यहाँ पे देखिए, ये शेप्स हैं और इसने इसको आपने क्या करना है, ये डिफरेंट इसकी जो शेप्स हैं यहाँ पे देखिए, रिक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल है, उसके बाद ये एरो शेप्स हैं अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, उसके बाद ये डायमंड है, ये ट्रायंगल है, ये स्टार, ये डिफरेंट जो है ये शेप्स बनी हुई है। इट गिव्स यू द ऑप्शन टू ड्रा डिफरेंट शेप्स सच एज रिक्टेंगल, लाइन, सर्कल, ट्रायंगल एट्सेट्रा, यानी आप इसमें से किसी भी क्लिक करेंगे तो ये जो ड्राइंग एरिया है वो शेप यहाँ पे आपकी आ जाएगी, यानी इसमें आप जो है वो डिफरेंट शेप्स को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंट बटन। पेंट बटन है नीचे इसने कहा है, ये देखिए इसको उसने कहा है कि यहाँ पे एक पेंट बटन होता है। इट हैज़ अ मेन्यू टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन पेंट, फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, सेव एन इमेज आर ओपन एन एग्जिस्टिंग पिक्चर, यानी यहाँ पे ये देखें, इसको देखें, इस विंडो में ये जो पेंट विंडो है यहाँ पे एक बटन होता है जिसको पेंट बटन का नाम दिया जाता है, ये वाला बटन, ये जो बटन है इसको पेंट बटन का नाम दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इट हैज़ अ मेन्यू टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन पेंट, यानी ये डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं पेंट में उसको परफॉर्म करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ने कोई नई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, अगर आप सेव करना चाहते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी जिसमें न्यू होगा, सेव होगा या ओपन एन एग्जिस्टिंग पिक्चर, ये सारी जो होंगे वो बटन इसके अंदर इस मेन्यू में पेंट बटन मेन्यू में होंगे, तो आप उसमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे, अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव वाले पे क्लिक करेंगे, अगर न्यू प्रोजेक्ट पे करना चाहते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट पे करेंगे, और अगर आप ओपन करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग यानी एक एग्जिस्टिंग जो पिक्चर है तो वो भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर ग्रुप, यहाँ पे देखिए लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे उसने डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, कलर वन, कलर टू एंड कलर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडिट कलर है, यानी आप यहाँ पे कलर को मिक्सिंग कर सकते हैं, मिक्स करके आप न्यू कलर्स जो है वो बना सकते हैं। कलर ग्रुप है, इट गिव्स द ऑप्शंस टू चूज द कलर ऑफ योर चॉइस, यानी यहाँ से आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। कलर वन है, कलर वन बॉक्स इज यूज फॉर फोरग्राउंड कलर एंड कलर टू बॉक्स इज used for background colors, यानी यहाँ पे color वन color टू है, color वन जो है वो आपने किस लिए यूज़ करना है, आप foreground यानी foreground color करने के लिए यूज़ करते हैं, और color टू जो है वो box is used for background colors, यानी पीछे जो आप background colors होते हैं उससे आप ये जो color box टू है आप वहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। फॉलोइंग फोर टूल्स यहाँ पे है, फॉलोइंग फोर टूल्स डैट इज़ यूज टू ड्रा लाइन्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, यानी डिफरेंट स्टाइल्स की लाइन्स को अगर आप ड्रा करना चाहते हैं पेंट विंडो में तो आप जो है वो डिफरेंट टूल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। पेंसिल टूल है, ब्रश टूल है, यानी आप पेंसिल से भी डिफरेंट लाइन्स को ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद ब्रश टूल है, ब्रश से भी, उसके बाद लाइन टूल है, यानी आप डिफरेंट जो लाइन्स ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद कर्व टूल है, यानी कैसे आपने कर्व लाइन्स जो है वो ड्रा करनी है। ड्राइंग अ लाइन विद पेंसिल टूल, पेंसिल टूल के साथ कैसे लाइन्स को ड्रा करना है। पेंसिल टूल इज़ यूज टू ड्रा फ्री फ्रॉम लाइन्स, यानी यहाँ से आप जो है वो फ्री लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप्स टू ड्रा अ लाइन, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करें टू ड्रा अ लाइन, एक लाइन को ड्रा करने के लिए। स्टेप वन, क्लिक ऑन द होम टैब, सबसे पहले आपने होम टैब पे क्लिक करना है।
स्टेप्स टू, इन द टूल ग्रुप क्लिक ऑन द पेंसिल टूल, आपने पेंसिल टूल पे क्लिक करना है स्टेप टू में। इन द टूल ग्रुप क्लिक ऑन द पेंसिल टूल, आपने पेंसिल टूल पे क्लिक करना है। स्टेप वन देखें, क्लिक ऑन द होम टैब, जैसे ही आपने होम टैब पे क्लिक किया तो आपके पास जो है ये होम टैब है स्टेप वन में। स्टेप टू में आपके पास टूल्स ग्रुप है जिसमें आपने पेंसिल लेनी है, ब्रश लेना है या आपने कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करनी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप थ्री है, इन द कलर ग्रुप क्लिक कलर वन टू चूज अ कलर। स्टेप थ्री में आपने क्या करना है, कलर ग्रुप को लेना है। ये देखें ये कलर ग्रुप है, स्टेप थ्री में देखें आप यहाँ से कलर वन यानी कलर वन को चूज़ करेंगे टू कलर, कलर करने के लिए। स्टेप थ्री है, नेक्स्ट स्टेप फोर। स्टेप फोर नो क्या करना है, नो ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रा फ्री फ्रॉम लाइंस, यानी अगर आप जो यहाँ पे ड्रैग करेंगे माउस को तो यहाँ पे जो है वो जो सा कलर आपने चूज़ किया होगा उस कलर की यहाँ पे लाइंस जो है वो ड्रा हो जाएंगी। नाउ ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रा फ्री फ्रॉम लाइंस, यानी यहाँ से लाइंस जो है वो आप ड्रा कर सकते हैं। ड्राइंग अ लाइन विद ब्रश टूल, ब्रश टूल के साथ आपने कैसे लाइंस को ड्रॉ करना है। पहले आपने पेंसिल टूल के साथ पढ़ा था, अब आप ब्रश टूल के साथ पढ़ेंगे कि आपने कैसे लाइंस को ड्रॉ करना है। ड्रॉ लाइन विद ब्रश टूल, ब्रश टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री फॉर्म एंड कर्व लाइंस विद डिफरेंट इफेक्ट्स, यानी अब आप जो है वो ब्रश टूल के साथ कैसे लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप वन में आपने क्लिक ऑन द होम टैब, होम टैब पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू, स्टेप टू है क्लिक ऑन द डाउन एरो, आपने डाउन एरो पे क्लिक करना है। डाउन एरो ये देखें यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, ये देखें आपने इस डाउन एरो पे क्लिक करना है। अंडर ब्रश तो डिफरेंट ब्रश जो है वो नीचे ओपन हो जाएंगे, एंड सेलेक्ट द ब्रश डैट यू वॉन्ट टू यूज़, और इसमें से आप जो सा ब्रश यूज़ करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप थ्री है, क्लिक साइज टू चूज द थिकनेस ऑफ द लाइन। इसके बाद आपने जो है वो साइज को चूज़ करना है, यानी उसकी जो थिकनेस है। स्टेप थ्री में यहाँ पे आपने साइज पे क्लिक किया, उसका नीचे जो एरो बटन है वो ओपन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है वो थिकनेस को चूज़ करेंगे। लाइन आप इतनी मोटी रखना चाहते हैं, इस शेप में रखना चाहते हैं, या कौन सी लाइन आप जो है वो चूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप फोर में इन द कलर ग्रुप्स क्लिक कलर वन टू चूज अ कलर, उसके बाद आप कलर वन चूज करेंगे कलर करने के लिए। यहाँ पे देखिए स्टेप फोर में आपने कलर वन चूज किया, यहाँ से आपने कलर वन चूज करके आपने वहाँ से कोई भी कलर जो है वो चूज करना है। स्टेप फाइव में है ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ लाइंस, तो आप फिर उसमें से जो है वो स्टेप फाइव जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपने लाइंस ड्रॉ की या आपने सेलेक्ट किया था कि आपने विच कितनी रखनी है, यानी कितनी मोटी आपने लाइन लेनी है, थिकनेस उसकी क्या होनी चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका कलर सेलेक्ट करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे पेंट में जो है आप इस तरह की पेंटिंग जो है जो ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें स्टेप फाइव में ड्रैग द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया, यानी ये जो ड्राइंग एरिया है आप यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे जो पॉइंटर होगा ड्रॉ लाइंस, तो वहाँ पे आप जो है वो लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास इस तरह की पेंटिंग जो है वो बन जाएंगी। ये जो है ये आपका ब्रश टूल के साथ आपने कैसे ड्राइंग करनी है, इससे पहले आपने पढ़ा था पेंसिल टूल के साथ आपने कैसे ड्राइंग करनी है। ड्राइंग अ लाइन विद लाइन टूल, अब लाइंस को यूज़ करते हुए आपने कैसे ड्राइंग करनी है वो हम पढ़ते हैं। बाय यूजिंग दिस टूल यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, यानी आप कैसे लाइंस के थ्रू जो है वो पेंटिंग कर सकते हैं आप वो पढ़ेंगे। स्टेप वन में है क्लिक ऑन द होम टैब, सब उसी तरह आपने होम टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, स्टेप टू में आपने शेप्स ग्रुप में चले जाना है। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो है वो शेप्स हैं, ये लिखा हुआ है शेप्स, आपने स्टेप टू पे शेप्स ग्रुप में एंड क्लिक द लाइन टूल, और आपने लाइन टूल पे क्लिक कर लेना है। स्टेप थ्री है
क्लिक साइज टू चूज़ द थिकनेस ऑफ द लाइन। उसके बाद आप स्टेप थ्री में इसकी जो थिकनेस है वो चूज़ करेंगे, यानी लाइन बारीक हो, मोटी हो या बहुत ज़्यादा थिक हो, वो आप यहाँ से स्टेप थ्री में इसको चूज़ करेंगे। ये देखें, स्टेप थ्री में आप इसकी थिकनेस चूज़ करेंगे। स्टेप फोर में इन द कलर ग्रुप क्लिक कलर वन एंड चूज अ कलर। उसके बाद आपने यहाँ से इसका कलर चूज़ करना है और फिर आपने उसको जो है वो ओके करना है। नेक्स्ट स्टेप फाइव में है, नो ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ही आप वहाँ पे जो है वो माउस को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है, जो कि आपने ब्लैक कलर में चूज़ की थी, वो यहाँ पे ड्रा हो जाएगी। ये है ड्राइंग अ लाइन विद लाइन टूल, ड्राइंग अ लाइन विद लाइन टूल, यानी आप कैसे शेप्स में से सेलेक्ट करके लाइंस को, फिर उसके बाद उसकी थिकनेस को सिलेक्ट करेंगे, उसके कलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप जो है वो सारा कुछ सिलेक्ट करके जैसे ही आप माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे वहाँ पे जो आपकी पेंट स्क्रीन होगी तो वहाँ पे एक लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। ड्राइंग अ लाइन विद कर्व टूल, कर्व टूल के साथ आपने कैसे जो है वो ड्राइंग करनी है। ड्राइंग अ लाइन विद कर्व टूल, कर्व टूल के साथ आपने कैसे जो है वो लाइंस को ड्रॉ करना है। बाई यूजिंग दिस टूल यू कैन ड्रॉ स्मूथ, यू कैन कर्व लाइंस एंड फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ कर्व लाइन। यानी इसको यूज़ करते हुए आप कैसे ड्रॉ स्मूथ कर्व लाइंस कैसे आप लोग जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ कर्व लाइन। अब आपने कर्व लाइन जो है वो कैसे ड्रॉ करनी है उसके स्टेप्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। स्टेप वन, क्लिक ऑन द होम टैब बटन। इसमें भी आपने होम टैब का जो बटन है स्टेप वन में, ये देखें ये लिखा हुआ है होम टैब, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास स्टेप वन में आ जाएगी, सेलेक्ट करना है। स्टेप टू में द शेप्स ग्रुप, यानी स्टेप टू में ये देखें आप फिर शेप्स में आ गए और क्लिक कर द टर्व। पहले आपने स्ट्रेट लाइन ली थी, अब आप कर्व वाली लाइन लेंगे और उसके बाद आपने कर्व टूल को सिलेक्ट करना है। कर्व टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, स्टेप थ्री में क्लिक साइज टू चूज़ द थिकनेस ऑफ द लाइन। उसके बाद आप स्टेप थ्री में फिर इसकी थिकनेस को चूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें उसने ये जो नीचे वाली लाइन है जो थोड़ी सी थिक है उसको उसने चूज़ किया है। स्टेप फोर में आपने उसका कलर चूज़ करना है, कलर क्लिक कलर वन टू चूज़ आ कलर, आपने कलर वन को उसकी जो कलर है वो चूज़ करेंगे। वो चूज़ करने के बाद आपने नो ड्रैग द माउस पॉइंटर टू ड्रा स्ट्रेट लाइन। पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और उसके बाद जो है वो आप नीचे, अगर आपने कर्व लाइन सेलेक्ट की है तो आप नीचे कर्व लाइन जो है वो उसको ड्रा करेंगे। ये देखें एक स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व लाइन है। स्टेप सिक्स में है, क्लिक वेयर यू वांट टू वन ऑफ द कर्व्स टू बी, यानी फिर उसके बाद आप क्लिक करें कि आप कहाँ पे कर्व लाइन जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू एडजस्ट अ कर्व। तो फिर आप जो है वो पॉइंटर को एडजस्ट करेंगे कि आप कहाँ पे इसको कर्व लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं। रिपीट दिस स्टेप फॉर द सेकेंड आर्क। इसी तरह आपने जो है वो नेक्स्ट इसके लिए जो है वो भी आपने ये सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। यू कैन ओनली क्रिएट टू कर्व्स फॉर ईच लाइन, यानी आप जो हैं यू कैन ओनली क्रिएट टू कर्व्स, यानी आप दो कर्व्स लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं फॉर ईच लाइन। हर लाइन के लिए आप सिर्फ दो कर्व्स लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ मैनी शेप्स इन पेंट्स सच एज ट्राइंगल, रिक्टेंगल, एल्पिस ट्राइंगल एट्सेट्रा। ड्राइंग अ ट्राइंगल अब हमारे पास आ रहा है, हम लोग कैसे पेंट में एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ड्राइंग अ रिक्टेंगल, ड्राइंग अ रिक्टेंगल, फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ रिक्टेंगल, यानी आप जो है वो एक रिक्टेंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो रीड आउट करना है। स्टेप वन में क्लिक ऑन द होम टैब। स्टेप वन आपने सबसे पहले जो होम टैब है उसको उस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द होम टैब, आपने होम टैब पे क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप वन में जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आप जो हैं वो शेप्स में चले जाएंगे।
स्टेप टू, इन द शेप्स ग्रुप क्लिक ऑन द रिक्टेंगल। यहाँ पे शेप्स ग्रुप में आएंगे और शेप्स ग्रुप में जो रिक्टेंगल शेप होगी, यहाँ पे देखें ये रिक्टेंगल शेप है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। स्टेप थ्री, क्लिक साइज टू चूज द थिकनेस ऑफ द लाइंस। उसी तरह आप स्टेप थ्री में जो लाइंस हैं, यानी जो रिक्टेंगल्स की साइड वाली लाइंस हैं, वो कितनी थिक आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज करेंगे। जैसे कि इसने सबसे पहले वाली जो लाइन, जो इसकी थिकनेस है, उसको चूज किया है। स्टेप फोर, चूज अ कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप टू चेंज द कलर ऑफ द आउटलाइन। उसके बाद आपने जो आउटलाइन के कलर्स हैं उसको आपने चूज करना है। स्टेप फोर में चूज अ कलर, आपने कलर को चूज करना है फ्रॉम द कलर ग्रुप टू चेंज द कलर ऑफ द आउटलाइन। आपने आउटलाइन का जो कलर्स हैं उसको आपने यहाँ से चूज करना है। स्टेप फोर, चूज अ कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप टू चेंज द कलर ऑफ द आउटलाइन। आउटलाइन का जो कलर है वो आपने कैसे जो है इसमें से चूज करना है, वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से कलर्स बार से। नेक्स्ट स्टेप फाइव है, स्टेप फाइव में उसने कहा है ड्रैग द पॉइंटर डायगोनली टू ड्रा अ रिक्टेंगल। अब आप क्या करेंगे, माउस को यहाँ पे रख के उसको क्लिक करके जैसे ही आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो यहाँ पे एक रिक्टेंगल शेप जो है वो बन जाएगी। रिक्टेंगल शेप के साथ यहाँ पे ये देखें, ये जो है ये एक और शेप बनाई गई है, रिक्टेंगल और जो स्क्वायर शेप है वो यहाँ पे आपको दोनों नज़र आ रही हैं। एक रिक्टेंगल शेप है, एक स्क्वायर शेप है, इस दोनों को जो ड्रॉ करने का है वो सेम ही इसका जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो आपने देखा कि ड्राइंग या रिक्टेंगल, यानी एक रिक्टेंगल या एक स्क्वायर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ड्राइंग अ सर्कल। अब हमारे पास आ रहा है हम लोग एक सर्कल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग अ सर्कल। ड्राइंग अ सर्कल में है फॉलो द स्टेप्स टू ड्रा सर्कल, यानी आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है सर्कल को ड्रा करने के लिए। स्टेप वन, क्लिक ऑन द होम टैब, आप होम टैब पे क्लिक करें। स्टेप टू, क्लिक इन द स्टेप टू इन द शेप्स ग्रुप ऑन द, जैसे कि आप स्टेप वन पे होम टैब पे क्लिक करेंगे, होम टैब पे क्लिक करके उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप होम टैब पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप टू पे आपने शेप्स ग्रुप पे क्लिक करना है। ये शेप्स आ गई हैं आपके पास, उसमें से आपने क्या करना है, उसमें से आपने सर्कल को सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे पहले आपने रिक्टेंगल को सिलेक्ट किया था, अब आप सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एल्पिस को। उसके बाद क्लिक थ्री, स्टेप थ्री में आपने क्या करना है, क्लिक साइज टू चूज द थिकनेस ऑफ द लाइन। फिर उसके बाद आप साइज में इसमें आपकी उसकी थिकनेस को आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। स्टेप फोर में चूज अ कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप टू चेंज द कलर ऑफ द आउटलाइन। फिर उसके बाद आप आउटलाइंस के जो कलर्स हैं उसको सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा कलर करना है। जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे रेड कलर करना चाहते हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, आप कौन सा कलर उसकी आउटलाइन पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद है स्टेप फाइव, ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रा सर्कल इन द ड्राइंग एरिया। उसके बाद आपने जा क्या करना है, पॉइंटर को ड्रैग करना है टू ड्रा सर्कल इन द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में जो सर्कल है आपने इसको कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रा अ सर्कल इन द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में आपने यहाँ पे अब सर्कल्स को ड्रॉ करना है, इस शेप में भी, इस शेप में भी, और ये जो है ये सारी शेप्स जो हैं वो आपके पास वहाँ पे होंगी और उसमें से आप सेलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रा सर्कल इन द ड्राइंग एरिया, यानी ये जो ड्राइंग एरिया है अब आप यहाँ पे माउस के थ्रू ड्रैग करेंगे और ये वाली शेप जो है ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी। ये है ड्राइंग अ सर्कल, यानी आप कैसे एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में है टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद कलर्स। अब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको कलर्स के साथ कैसे फिल कर सकते हैं। टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद कलर्स, यानी आप कलर्स के साथ कैसे ऑब्जेक्ट्स को फिल कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप्स टू फिल द सर्कल विद कलर्स। अब आपने ये देखें, ये एक सर्कल है,
एक सर्कल है, आपने इसको जो अंदर वाला इसका पार्ट है आपने उसको कैसे कलर करना है, अब आप उसको स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। यानी जो सर्कल का अंदर वाला पार्ट है आप उसको किस कलर में जो है वो फिलअप करना चाहते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद कलर, यानी एक जो ऑब्जेक्ट है आप उसको किस कलर में फिल करना चाहते हैं। फॉलो द स्टेप्स टू फिल द सर्कल विद कलर्स, यानी यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है टू फिल द कलर्स, यानी किसी भी सर्कल को किसी भी कलर के साथ कैसे फिल करना है। स्टेप वन में है क्लिक ऑन द होम टैब, आप होम टैब पे क्लिक करें एंड उसके बाद ड्रॉ। स्टेप टू है ड्रॉ अ सर्कल बाय यूजिंग एल्पिस टूल, एल्पिस टूल को यूज़ करते हुए आपने जो है वो एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप थ्री में इन द टूल्स ग्रुप, यानी जो टूल्स ग्रुप है यहाँ पे देखें ये जो है ये टूल्स ग्रुप है, ये लिखा हुआ है टूल्स, यहाँ को इसको गौर से देखें यह लिखा हुआ है टूल्स। इस टूल्स ग्रुप में आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द फिल विद कलर टूल, ये देखें आपने इसको सेलेक्ट किया। इसका क्या मतलब है, फिल विद आ कलर टूल्स, यानी कलर टूल्स के साथ इसको फिल करना। स्टेप फोर में नो चूज़ आ कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप्स, आप कलर ग्रुप्स में ये देखें ये कलर्स ग्रुप्स है, इसमें से आप अपनी मर्जी का कलर जो है वो चूज़ करें, जैसे कि कलर वन में उसने ये जो ऑरेंज कलर है इसको चूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप फाइव में है मूव द माउस पॉइंटर ऑन इन द सर्कल एंड क्लिक टू फिल इट विद कलर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने माउस को इस सर्कल के अंदर लेके आना है और जब आप माउस को इस सर्कल के अंदर लेके आएंगे और इसको मूव करेंगे पॉइंटर इन द सर्कल एंड क्लिक करेंगे टू फिल इट विद दिस कलर, यानी आप इसको जो है इस कलर के साथ फिल कर दें तो ये जो सर्कल है ये ऑरेंज कलर का फिलअप हो जाएगा। इसको दोबारा ज़रा आप रिपीट करते हैं कि टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद कलर्स, यानी आप जो है वो एक ऑब्जेक्ट को कैसे कलर कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले स्टेप वन में आपने क्या करना है, होम टैब पे आना है, होम टैब से आपने स्टेप टू पे सर्कल करना है, यानी एक जो सर्कल है एल्पिस टूल्स को यूज़ करते हुए आपने वो ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप थ्री में आएगा, आपने टूल्स बॉक्स पे आना है। स्टेप थ्री में आपने टूल बॉक्स से फिल विद कलर्स टूल जो है उसको चूज़ करना है। स्टेप थ्री में आपने टूल्स ग्रुप से फिल विद कलर टूल से उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेप फोर में है नो चूज अ कलर फ्रॉम द कलर ग्रुप, फिर आपने कलर ग्रुप से कोई एक कलर चूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ऑरेंज कलर को चूज़ किया है, ये देखें स्टेप वन कलर वन में उन्होंने ऑरेंज कलर को चूज़ किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करके कलर को सिलेक्ट करके फिर आपने माउस को जो है मूव करना है सर्कल के अंदर, जैसे ही आप सर्कल के अंदर उसको क्लिक करेंगे या मूव करेंगे तो वो फिल हो जाएगा, वे जो कलर आपने ऊपर सेलेक्ट किया है उसी कलर का वो नीचे फिलअप हो जाएगा। टू अरेज अ ड्राइंग, उसके बाद है आप उसको कैसे रेज कर सकते हैं, कैसे आप उसको मिटा सकते हैं, जैसे आप पेंसिल से कुछ भी लिखते हैं फिर उसके आप उसके बाद आप उसको रेज़र से रेज करते हैं, या अगर आप उससे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आप जो है वो रेज़र को यूज़ करते हैं। इसी तरह है टू रेज अ ड्राइंग, यानी आप जो ड्राइंग कर रहे हैं आप उसको कैसे रेज कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द रेज टूल टू रेज एरिया ऑफ अ पिक्चर, यानी आप जो एरेज एरिया है उसको आप कैसे रेज कर सकते हैं। स्टेप वन में है क्लिक ऑन द होम टैब, सबसे पहले आपने होम टैब पे क्लिक करना है, होम टैब पे क्लिक किया। स्टेप टू इन द टूल्स ग्रुप, फिर आप टूल्स ग्रुप में आए, टूल्स ग्रुप्स में आपने क्या करना है, जो अरेजर वाली ऑप्शन है ये देखें आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ये ऐसे कि इसकी तस्वीर जो है वो ऐसी होगी, यानी उस पर रेजर बना होगा, आपने अरेजर टूल जो है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप थ्री में क्लिक साइज टू चूज द साइज ऑफ द रेजर, उसके बाद आपने इसके साइज पे जाना है, साइज पे आपने इसका साइज सेलेक्ट करना है कि आपको कितना साइज रखना चाहते हैं। स्टेप थ्री में आप उसका साइज जो है वो चूज़ करेंगे, यानी आप रेजर का साइज क्या रखना चाहते हैं आप वो चूज़ करेंगे। स्टेप फोर में आपने ड्रैग द रेजर ओवर द एरिया ऑफ द पिक्चर यू वॉन्ट टू रेज, फिर उसके बाद आपने यहाँ को जो माउस है आपने उसको यहाँ पे ला के ऐसे ऐसे रेज करना है, जैसे आप अपनी नोटबुक पे कोई
कोई चीज़ रेज करते हैं, इसी तरह आपने माउस को यहाँ पे ला के रेज करना है, तो वो ऐसे ऐसे रेज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसका साइज़ बड़ा सिलेक्ट करेंगे तो ये रेजर और बड़ा हो जाएगा, वो आप जो है उसको और जल्दी जो है वो रेज कर सकते हैं। ये है आप जो ड्राइंग करते हैं आपने उसको कैसे रेज करना है, उसको कैसे मिटाना है, ये उसकी उसके स्टेप बाय स्टेप हमने उसके प्रोसेस को फॉलो किया। उसके बाद है ड्रैग द रेजर ओवर द एरिया ऑफ द पिक्चर, यानी जो भी आपने तस्वीर बनाई है उस एरिया में आपने उसको ड्रैग करना है, यू डैट यू वांट टू रेज, जिसको आप जो है वो मिटाना चाहते हैं या रेज करना चाहते हैं। उसके बाद अब हमारे पास आ गया है सेविंग अ पिक्चर। सेविंग अ पिक्चर यानी आप एक पिक्चर को कैसे सेव कर सकते हैं। सेविंग अ पिक्चर में है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव योर वर्क, आप अपने काम को कैसे सेव कर सकते हैं, सो डैट यू डोंट लूज इट, यानी आप अगर आप इसको लूज नहीं करना चाहते तो आपने इसको कैसे सेव करना है। सेविंग अलाउज यू टू ओपन योर वर्क वेन एवर यू वांट, और सेविंग जो है वो आपको अलाउ करती है कि आपने कैसे अपने काम को जो है वो सेव करना है। फॉलो द स्टेप्स टू सेव अ पिक्चर, यानी अगर आप कोई पिक्चर सेव करना चाहते हैं तो आप जो है इन स्टेप्स को फॉलो करें। सेविंग अ पिक्चर, एक पिक्चर को सेव करना। फॉलो द स्टेप्स टू सेव अ पिक्चर, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है जब आप कोई भी पिक्चर जो है वो सेव करना चाहते हैं। इसमें है क्लिक ऑन द पेंट बटन, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास स्टेप वन है, आपने जो पेंट बटन है वहाँ पे क्लिक करना है। स्टेप वन, क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड मूव द कर्सर एज अ सेव एज, और उसके बाद आपने क्या करना है इस पे बटन पे, स्टेप वन में जो पेंट बटन है आपने उस पे सेलेक्ट कर उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके नीचे आपके पास ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसमें न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, पेंट है, तो आपने क्या करना है। उसके बाद आप स्टेप टू में क्या करेंगे, मूव द कर्सर ऑन सेव एज, फिर आप इसको सेव एज पे मूव करेंगे टू सी मोर ऑप्शंस। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आगे से ये स्टेप्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें है PNG पिक्चर्स है, JPEG पिक्चर्स हैं, BMP पिक्चर्स हैं, GIF पिक्चर्स हैं, यानी आप कौन सी पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है JPEG पिक्चर्स, यानी आपने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करनी है। स्टेप इन द सेव डायलॉग बॉक्स टाइप द नेम एंड फाइल इन द बॉक्स, फाइल बॉक्स आपने फिर यहाँ पे ये वाली सेलेक्ट करके स्टेप थ्री में आपने क्या करना है, सेव एज मेन्यू विल अपीयर एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट ऑफ द फाइल, यानी आप जो है वो उसका फॉर्मेट जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एक्चुअली ये जो बॉक्स है ये इसका फॉर्मेट शो करेगा, आपने वो वाला सेलेक्ट किया। उसके बाद स्टेप फोर में आपने क्या करना है, स्टेप फोर में आ जाएं। स्टेप फोर में इन द सेव डायलॉग बॉक्स, फिर आपके पास सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्टेप फोर में आपने वहाँ पे क्या करना है, टाइप द नेम एंड द फाइल नेम बॉक्स, आपने उसका पेंट प्रैक्टिस जो है वो आपने उसका नाम रखा, आपने फाइल नेम जो है वो वहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप फाइल नेम, जैसे कि आपने पेंट प्रैक्टिस जो है वो वहाँ पे उसका नाम सेलेक्ट किया, आप वहाँ पे टाइप करेंगे एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। और स्टेप फाइव में आप यहाँ जो है ये सेव बटन है आप उस पर क्लिक कर देंगे तो टू सेव योर फाइल, तो आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी, आपकी फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ये है यानी अगर कोई पेंट वगैरह आप बनाते हैं तो आपने उसको कैसे सेव करना है। सेविंग अ पिक्चर, हमने एक पिक्चर को कैसे सेव करना है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि आपने क्लिक करना है पेंट बटन, पेंट बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप पेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे से ये वाली ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी, जिसमें से आपने सेव एज पे जाना है। जब आप सेव एज पे जाएंगे तो आगे से आपकी JPEG पिक्चर्स यानी उसकी जो है फाइल की जो है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप उसका फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से आप इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद स्टेप फोर में आप इसका नाम वगैरह रखेंगे फाइल का, यानी आप कोई नाम देना चाहते हैं कोई पेंट, यानी अगर आपने किसी मतलब आपने किसी गार्डन वगैरह की पिक्चर बनाई है तो आप यहाँ पर लिख देंगे गार्डन पिक्चर, तो वो जो है वो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे अपनी मर्जी से जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप यहां से सिलेक्ट करके स्टेप फाइव में आप उसको सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेंट है वो सेव हो जाएगी। कंप्यूटर मैनर्स, कंप्यूटर मैनर्स में है मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कंप्यूटर स्क्रीन से आपने एक प्रॉपर डिस्टेंस रखना है।
ये नहीं है कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के बहुत ज़्यादा पास जो है वो बैठे हों ताकि आपकी आई से जो है इसे इफेक्ट हो। उसके बाद है गिव स्पेस टू योर फ्रेंड्स सो डैट दे गेट अ चांस टू लर्न, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस पे बैठें सो डैट दे गेट अ चांस टू लर्न, यानी जिससे वो जो है वो लर्न कर सकें। यानी अगर उनको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रही तो आपकी वो जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो वहाँ से देख सकें, उसको वहाँ से चेक कर सकें। लेट्स रिवाइज इट, आप इसको रिवाइज करते हैं। लेट्स रिवाइज में है पेंट इज़ द बेसिक ड्राइंग टूल, यहाँ पे उसने कहा है पेंट जो है ये एक बेसिक ड्राइंग टूल है टू मेक एंड एडिट ड्राइंग्स, जिसमें आप जो है वो ड्राइंग बनाते हैं और एडिट करते हैं। टू ओपन द पेंट प्रोग्राम क्लिक स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज एंड पेंट, ये आपने सारा देखा था कि आप कैसे पेंट प्रोग्राम को ओपन करते हैं, कैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं, उसमें आपने एक्सेसरीज पे जाना है, फिर उसके बाद आप पेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेंट विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। टूल्स ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टूल्स सच एज पेंसिल, इरेजर, फिल विद कलर्स, टेक्स्ट मैग्नीफायर एंड कलर पिकर, यानी जो टूल ग्रुप्स होते हैं वो जो होता है उसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें पेंसिल है, इरेजर है, फिल विद कलर्स है, टेक्स्ट है, मैग्नीफायर एंड कलर पिकर है। उसके बाद आपने शेप्स में चले जाना है। शेप्स ग्रुप्स कंटेन डिफरेंट शेप्स सच एज रेक्टेंगल, लाइंस, सर्कल, ट्राइंगल एट्सेट्रा। उसके बाद शेप्स में जो है आपके पास जैसे कि आपने सर्कल वाली शेप ड्रॉ की थी, ट्राइंगल वाली शेप ड्रॉ की थी, स्क्वायर की शेप, ये सारी शेप जो हैं ये शेप्स में आती हैं, शेप्स ग्रुप में, जहाँ से आप अपनी मर्जी की कोई भी शेप ड्रॉ सेलेक्ट करेंगे और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद कलर ग्रुप गिव्स यू द ऑप्शन टू चूज अ कलर ऑफ योर चॉइस, यानी आपने कैसे अपनी चॉइस का जो कलर है वो चूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास आ गया कलर ग्रुप गिव्स यू द ऑप्शन टू चूज अ कलर ऑफ योर चॉइस। उसके बाद यू कैन चूज अ ब्रश ऑफ डिफरेंट विथ एंड स्टाइल्स, यानी आप कैसे जो हैं वो डिफरेंट विथ और स्टाइल के जो हैं वो ब्रश जो हैं वो कैसे चूज़ कर सकते हैं, ये भी आपने इसका जो एक स्टेप बाय स्टेप उसका जो रूल था वो भी आपने फॉलो किया। यू कैन ड्रॉ डिफरेंट लाइन्स विथ पेंसिल टूल, ब्रश टूल्स एंड लाइन टूल्स एंड कर्व टूल। उसके बाद आप कैसे जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट लाइन्स विथ पेंसिल टूल, ब्रश टूल एंड लाइन टूल्स एंड कर्व टूल, यानी आप इन सब को कैसे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अरेज टूल इज़ यूज टू अरेज एरिया ऑफ अ पिक्चर और कम्प्लीट द पिक्चर। इसके बाद है कि आप अरेज टूल्स को यूज़ करते हुए कैसे अरेज कर सकते हैं पिक्चर्स को और द कम्प्लीट पिक्चर्स जो हैं वो कम्प्लीट पिक्चर को आप कैसे अरेज कर सकते हैं या उसका कुछ एरिया जो आप अगर अरेज करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे अरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेज टूल्स इज यूज टू अरेज एरिया ऑफ अ पिक्चर और द कम्प्लीट पिक्चर, यानी अरेज टूल के साथ आप कैसे जो उसका कुछ एरिया या उसको कम्प्लीटली आप रेज कर सकते हैं, वो प्रोसेस आपने इसमें पढ़ा। उसके बाद है यू शुड सेव योर वर्क सो डैट यू डोंट लूज इट, यानी उसके बाद आप अपनी फाइल को कैसे सेव करते हैं वो भी आपने यहाँ पर पढ़ा, यानी आपका जो उसको सेव करने का जो प्रोसेस है वो आपने यहाँ पर पढ़ा कि आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स पेंट में अब हमारे पास आ रहा है पेंट है, न्यू वर्ड्स पेंट में पेंट, टैप, रिबन, पेंट, टैप, रिबन, उसके बाद टूल्स, शेप्स, ब्रशेस, कलर प्लेट्स एंड कर्व एंड एल्पिक्स एंड अरेजर, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं आप कैसे यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने जो सिलेक्ट की हैं न्यू वर्ड्स में हमारे पास है, न्यू वर्ड्स में हमारे पास है पेंट, पेंट, टैब, रिबन, टूल्स, शेप्स, यानी न्यू वर्ड्स यानी जो नए लफ्ज़ आपने यहाँ पे सीखे हैं उसमें पेंट है, टैब, रिबन, टूल्स, शेप्स, ब्रशेस, कलर प्लेट,
कॉव, एल्पिस एंड रेज, ये सारे जो हैं ये नए वर्ड्स हैं जो आपने यहाँ पे सीखे हैं, न्यू वर्ड्स डैट यू लर्न। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 1 है, यूज लाइन्स टू पेंट ड्रा द, यूज लाइन्स टूल्स, लाइन्स टूल्स को आपने यूज़ करना है इन पेंट टू ड्रा द फॉलोइंग शेप्स, फॉलोइंग शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। तो आपने क्या करना है, फॉलोइंग शेप्स को कैसे ड्रॉ करना है, टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स, यूज पेंसिल टू, यूज लाइन टूल्स, लाइन टूल्स को आपने कैसे इसके साथ जो है वो चूज करना है, टू पेंट टू ड्रा द फॉलोइंग शेप्स, यानी नीचे जो शेप्स हैं आप उसको कैसे ड्रॉ कर, जैसे ये रिक्टेंगल शेप्स को जोड़ा हुआ है, उसके बाद ये भी रिक्टेंगल शेप्स है, ये जो है ये कर्व लाइंस हैं, ये लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। उसके बाद उसने कहा है कि आपने शेप्स के थ्रू इसको कैसे जो है वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2 आ जाती है, ये स्टूडेंट्स आपके करने वाला काम है कि आपने कैसे जो है वो लाइन्स टूल्स के थ्रू इस तरह की पेंट ड्रॉ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 में देखें उसने यूज़ पेंसिल टूल्स, यानी कैसे है? उसने पेंसिल टूल्स को यूज़ करके जो है वो टू ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स, एक एप्पल एंड बनाना, ये शेप्स को उन्होंने कैसे ड्रॉ किया है, तो उसमें है यूज़ पेंसिल टूल्स टू ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स, यानी पेंसिल टूल को आपने यूज़ करना है, वो जो आपको पीछे स्टेप पढ़ाए थे वहाँ से आपने पेंसिल टूल को यूज़ करना है और वहाँ पे या ये जो फॉलोइंग शेप्स हैं ये आपने कैसे ड्रॉ करनी है, स्टूडेंट्स यू विल बी डन इट, टू बी डन बाय द स्टूडेंट्स, यानी ये आपने खुद इसको डन करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 3 है, यहाँ पे उसने कहा है यूज शेप्स ग्रुप, जैसे कि आपको वहाँ पे बताया था कि शेप ग्रुप से आप जो है टू ड्रा कर सकते हैं द फॉलोइंग शेप्स, जिसमें ये देखिए ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, उसके बाद ये सर्कल है, सर्कल के बाद ये जो है ये भी ट्रायंगल शेप्स हैं, यानी कि आप जो है वो शेप्स वाले जो आइकन्स हैं उसमें सेलेक्ट करके आप कैसे इसको जो है वो ड्रॉ करेंगे, ये भी टू बी डन बाय स्टूडेंट्स, ये आप लोग इसको जो है वो आपको जैसे पहले वाला सारा प्रोसेस जो है वो समझा दिया है कि आपने शेप्स को कैसे ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने पेंसिल टूल को कैसे यूज़ करना है, उसके बाद आप यहाँ पर देखें आपको यहाँ पे बताया था कि रेक्टेंगल, ये देखिए कैसे ये शेप्स आपने ड्रॉ की थी, इसी तरह आपने ये वाली शेप्स जो हैं ये भी ड्रॉ करनी है। तो ये शेप्स को आपको ड्रॉ करने का पूरा प्रोसेस बताया था कि आपने होम टैब पे जाना है, होम टैब से आपने क्या करना है, शेप्स ग्रुप्स में जाना है, होम टैब से आपने शेप्स ग्रुप्स में, और शेप ग्रुप्स में आप कोई भी शेप्स जो है वो सिलेक्ट करके तो उसको जो है आप माउस को वहाँ पे जो पेंट बॉक्स है आपका वहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये वाली शेप्स जो है ये आपके पास से बन जाएंगी, ये आपने खुद से काम करना है। नेक्स्ट मूव ऑन एक्सरसाइज, अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट इज, सबसे पहले है फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक, यहाँ पे वर्ड बैंक में कुछ हेल्प वर्ड्स हैं, शेप्स, लाइंस, अरेजर, एसेसरीज एंड कॉप, यहाँ पे वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स हैं, आपने उनके साथ ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनको फिलअप करना है। टू ओपन पेंट क्लिक स्टार्ट ऑल द प्रोग्राम्स आर, यहाँ पे इसने कहा है कि कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आपने यहाँ पे इनको फिलअप करना है।
एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हैं यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, इसमें उन्होंने अल्फाज दिए हैं, उसको हम लोग जो है वो फिलअप करते हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक। वर्ड बैंक की हेल्प के साथ आपने इसको फिलअप करना है। टू ओपन पेंट क्लिक स्टार्ट, ऑल द प्रोग्राम्स तमाम वो प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपने एसेसरीज पे जाना है, एसेसरीज वाला प्रोग्राम ओपन होगा। एसेसरीज से फिर आप पेंट पे चले जाएंगे। शेप्स ग्रुप्स आर कंटेन डिफरेंट, शेप्स ग्रुप्स जो होती हैं वो कंटेन करती हैं डिफरेंट शेप्स। नेक्स्ट है डैश टूल इज यूज टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन, लाइन टूल इज यूज टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है डैश टूल इज यूज टू ड्रा स्मूथ कर्व्ड एंड लाइंस, कर्व टूल इज यूज टू ड्रा स्मूथ कर्व लाइंस। उसके बाद डैश टूल इज यूज टू अरेज एरिया ऑफ अ पिक्चर, टूल इज यूज टू अरेज एरिया ऑफ अ पिक्चर। यानी आप एक तस्वीर का एरिया अगर अरेज करना चाहते हैं तो आप जो है वो रेज टूल को यूज़ करेंगे। टू ओपन पेंट्स एंड स्टार्ट, क्लिक स्टार्ट बटन एंड ऑल प्रोग्राम्स पेंट्स आर ओपन। एसेसरीज पे जाएंगे, एसेसरीज से आगे जो आपकी पेंट ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद है शेप ग्रुप्स हैं, शेप ग्रुप्स में हैं कि शेप ग्रुप्स कंटेन डिफरेंट शेप्स हैं। लाइंस टूल्स यूज टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कर्व टूल इज यूज टू ड्रा अ स्मूथ कर्व, लाइंस एंड अरेजर टूल इज यूज टू अरेज एरिया ऑफ अ पिक्चर। मैच द फॉलोइंग टूल्स विद देयर नेम्स। सबसे पहले है कर्व टूल, कर्व टूल ये है। उसके बाद अरेजर है, अरेजर यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ पे देखें ये अरेजर है। उसके बाद पेंसिल टूल है, ये पेंसिल टूल है। नेक्स्ट लाइन टूल है, ये देखें ये लाइन टूल है। उसके बाद ब्रश टूल है, लुक एट दिस, ये ब्रश टूल है। ये हमने इनको जो है वो मैच किया यहाँ पे विद देयर सूटेबल नेम, यानी उनके नाम के साथ जो नीचे तस्वीरें थी हमने उनको सूटेबल जो है वो मैच किया। जैसे कर्व टूल था तो ये कर्व है, उसके बाद रेजर है तो ये रेजर की शेप बनी है, पेंसिल टूल है तो ये पेंसिल टूल है, लाइन टूल में आप इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ब्रश टूल है तो आप यहाँ पे इसको ऐसे जो है वो ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपने टिक करना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको क्रॉस करना है। सबसे पहले हमारे पास है पेंट इज़ अ बेसिक ड्राइंग टूल टू मेक एंड एडिट ड्राइंग, येस दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रा रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर्स, नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रा लाइन्स, ये रेक्टेंगल स्क्वेयर शेप्स जो है उसे ड्रा नहीं होती, ये आप शेप से जो है वो ड्रा करते हैं। टू फिल एन ऑब्जेक्ट विद कलर्स यू कैन यूज एल्पिस टूल, नो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है यू शुड सेव योर वर्क so that you don't lose it, right, this is a right statement. Curve tool is used to draw smooth curve line, yes this is a right statement. Next है answers the following questions in your notebook. अपनी notebook में आपने कुछ answer questions हैं उनको आपने solve करना है। अब हम लोग जो हैं इसके answer questions को solve करते हैं। आंसर क्वेश्चंस हैं, आंसर क्वेश्चंस में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज पेंट प्रोग्राम। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पेंट प्रोग्राम। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम क्या है किड्स,
पेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप जो है वो पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे आप जो हैं डिफरेंट पेंट्स जो हैं उनको ड्रॉ करते हैं। तो व्हाट इज पेंट, क्या है पेंट? इज अ, इसका मतलब होगा वी कैन, इन पेंट प्रोग्राम वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एंड कलर देम। ये सारा जो है ये हम लोग पेंट प्रोग्राम में कर सकते हैं, एंड कलर देम। हम डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं उनको ड्रा कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को ड्रा कर सकते हैं। वी कैन ड्रा पिक्चर्स, वी कैन ड्रा डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस एंड कलर देम। ये सारा जो है हम लोग पेंट प्रोग्राम में करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट थ्री नेम्स ऑफ थ्री शेप्स इन द शेप ग्रुप। क्वेश्चन नंबर टू है राइट द नेम्स ऑफ थ्री शेप्स इन द शेप्स ग्रुप। शेप ग्रुप जो आपने पढ़ा था उसमें से आपने जो है वो तीन शेप्स के नाम लिखने हैं। तो उसमें क्या आएगा, इसमें रेक्टेंगल आ सकता है, रेक्टेंगल, उसके बाद सर्कल है, सर्कल, एंड नंबर थ्री जो है वो आप स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो हैं ये डिफरेंट शेप्स हैं जो हम लोग शेप्स ग्रुप में सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई इज सेविंग अ पिक्चर इम्पॉर्टेंट, यानी कोई भी अगर तस्वीर है तो आप उसको सेव क्यों करते हैं? तो इसका मतलब है कि आप उसको सेव करते हैं कि आप इन फ्यूचर जो है वो आप उसको देख सकते हैं। तो उसको सेव इसलिए किया जाता है टू प्रोटेक्ट, और इसको कह सकते हैं टू सेव आर वर्किंग इट्स इम्पॉर्टेंट। टू सेव यानी अगर आप अपने काम को सेव करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी पिक्चर्स को, टू सेव अ पिक्चर यानी आप कोई भी तस्वीर जो बनाते हैं उसको सेव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास पेंट बटन क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पेंट बटन। पेंट बटन जो हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पेंट बटन, पेंट बटन के जो फंक्शंस हैं वो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पेंट बटन, जो पेंट बटन है उसके कौन कौन से फंक्शन हैं। पेंट बटन, पेंट बटन है तो इसका हमने, इसका आंसर आएगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पेंट बटन। तो इसमें है इट हैज अ मेन्यू टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस
डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो इसे परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस जिसमें है इन पेंट, फॉर एग्जांपल इसमें है टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी इससे आप जो है वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद है इसमें नंबर टू पे है सेव कर सकते हैं, सेव एन इमेज। ये सारे जो हैं ये फंक्शंस हैं पेंट बटन के, यानी आप किसी भी इमेज को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ओपन एन एग्जिस्टिंग, ओपन एन एग्जिस्टिंग पिक्चर, एग्जिस्टिंग पिक्चर जो है इसको ओपन कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस हैं पेंट बटन के, यानी इट हैज़ अ मेन्यू टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जिसमें आप स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एन इमेज, आप जो है नंबर टू पे आप कोई भी इमेज जो है वो सेव कर सकते हैं, और नंबर थ्री पे आप जो है वो ओपन कर सकते हैं एन एग्जिस्टिंग पिक्चर, यानी कोई भी एग्जिस्टिंग पिक्चर जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट इन डिटेल, राइट इन डिटेल अबाउट अबाउट द होम टैब एंड रिबन। होम टैब और रिबन जो है उसके बारे में आप डिटेल में लिखें। राइट इन डिटेल क्वेश्चन नंबर फाइव है, राइट इन डिटेल अबाउट द होम टैब एंड रिबन। इसको अब हम लोग जो है वो इन डिटेल में लिखते हैं। तो होम टैब एंड इज अ मेन टैब ऑफ द पेंट विंडो। जो होम टैब होता है, होम टैब इज द मेन टैब है, मेन टैब ऑफ अ पेंट विंडो। ये पेंट विंडो का मेन टैब है, मेन टैब है पेंट विंडो का। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये देखें, द होम टैब इज़ द मेन टैब ऑफ अ पेंट विंडो। पेंट विंडो का इट हैज़ अ रिबन, इसमें एक जो है वो रिबन टैब भी होता है, इट हैज़ अ रिबन फ्रॉम वेयर, यानी रिबन भी होता है फ्रॉम वेयर, जहाँ से फ्रॉम वेयर टूल्स, फ्रॉम वेयर टूल्स एंड कलर्स आर सिलेक्टेड, यहाँ से टूल्स और कलर जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। होम टैब जो है ये मेन टैब है पेंट विंडो का, और इसमें एक रिबन टैब होता है जहाँ से आप टूल्स और कलर्स जो हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ डज द फॉलोइंग ग्रुप्स हेल्प अ यूज़र। क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉलोइंग ग्रुप्स हेल्प्स हेल्प ए यूजर। सिक्स क्वेश्चन है, जो फॉलोइंग ग्रुप्स हैं वो कैसे यूज़र की हेल्प करते हैं, जिस पे हैं टूल्स हैं, नंबर टू पे हैं शेप्स हैं, एंड नंबर थ्री पे कलर्स, कलर्स। उसके बाद हम हमारे पास आ जाता है सबसे पहले टूल्स। टूल्स इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टूल्स सच एज पेंसिल,
इरेजर एंड फिल विथ कलर टेक्स्ट, फिल विथ कलर टेक्स्ट एंड मैग्नीफायर एंड कलर पिकर। नेक्स्ट अब हमारे पास है शेप्स। शेप्स शेप्स में है इट गिव्स यू द ऑप्शन टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स। इट गिव्स यू द ऑप्शन टू ड्रॉ डिफरेंट different shapes such as rectangle, line, circle and triangle etc. ये जो हैं ये आपको डिफरेंट शेप्स जो हैं इस ऑप्शन से मिल सकती हैं, जहाँ से आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लाइन, सर्कल ये सारी शेप्स जो हैं ये ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हमारे पास है कलर। इट गिव्स ऑप्शन टू चूज द कलर ऑफ योर चॉइस। इट गिव्स द ऑप्शन to choose the color of your choice। यहाँ से आप अपनी चॉइस का कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। कलर वन बॉक्स इज यूज फॉर फॉरन बुगोन, यानी इसमें एक कलर वन होता है जिससे आप जो है वो किसको कलर करते हैं, जो फोरग्राउंड होती हैं, फोरग्राउंड। और जो कलर टू ऑप्शन होती है, कलर टू ऑप्शन इज यूज्ड फॉर बैकग्राउंड कलर्स, कलर टू फॉर बैकग्राउंड कलर्स, यानी ये बैकग्राउंड कलर्स के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ पेंट, पेंट क्या है, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट सर्कल्स वगैरह और जैसे कि आप जिस तरह की चाहें इसमें पेंट कर सकते हैं। उसके बाद है नेम्स थे 3 शेप्स के, उसमें रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल्स थे। उसके बाद व्हाट व्हाई इज सेविंग अ पिक्चर, यानी आपको जो कोई तस्वीर है वो क्यों सेव करते हैं, तो ये इसलिए ज़रूरी होती है टू सेव अ पिक्चर कि आप इन फ्यूचर जो है वो इसको दोबारा से देख सकते हैं या आप इसको चेक कर सकते हैं। राइट इन डिटेल अबाउट द होम टैब एंड रिबन। होम टैब और रिबन के बारे में आपने इसमें पढ़ा कि जो होम टैब है ये मेन टैब है, जो हमारी पेंट विंडो है उसका मेन टैब है, और इसमें जो है रिबन टैब होता है जहाँ से आप डिफरेंट टूल्स को और कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आया कि जो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पेंट बटन, जो पेंट बटन है उसके फंक्शंस को आपने लिखा कि इसमें जो है मेन्यू होता है टू परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस, यानी ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिसमें न्यू प्रोजेक्ट बनाना या फिर आप सेव एन इमेज या आप कोई भी तस्वीर को सेव कर सकते हैं या जो एग्जिस्टिंग पिक्चर्स हैं आप उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखे, हाउ डज द फॉलोइंग ग्रुप्स हेल्प अ यूज़र, यानी टूल्स, शेप एंड कलर जो हैं ये जो डिफरेंट जो फॉलोइंग ग्रुप्स हैं ये कैसे हेल्प करते हैं यूज़र की, तो टूल्स से जो है वो आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, यानी जो टूल्स का जो आपका फंक्शन है, जो ग्रुप है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं
जैसे कि पेंसिल है, रेज़र है, या आप इसमें फिल विद कलर्स वगैरह इस तरह इसको करके, तो आप इस टूल्स को यूज़ करके आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स में आ जाती हैं ट्राइंगल, रिक्टेंगल, सर्कल, यानी आप जिस तरह की शेप चाहें वो आप इस ग्रुप से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कलर है, तो इसमें कलर्स में उसने कहा है एक कलर की ऑप्शन होती है जिसमें आप अपनी मर्जी का कलर चूज़ कर सकते हैं। एक कलर वन होता है, कलर वन बॉक्स जो है वो आपकी जो फोरग्राउंड्स होती है ना, जो आपका एरिया होता है, जैसे एक रिक्टेंगल है तो उसकी जो फोरग्राउंड्स है ना उसको कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कलर टू होता है वो आपकी बैकग्राउंड कलर्स जो होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपकी जो है यूनिट नंबर 6 भी कम्प्लीट होती है। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।